नीमच जिले को ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आने के बाद से यहां के बाशिंदों को लंबा लॉकडाउन भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि सबको विदित है कि 8 मई को नीमच जिले में कोरोना ने दस्तक दी, तभी से जिला प्रशासन ने जिले को पूरी तरह लॉकडाउन कर रखा था। पूरी तरह लॉकडाउन के परिणाम भी जिले को सकारात्मक ही देखने को मिले। जिस तरह कोरोना ने जिले में धमाकेदार तरीके से दस्तक दी, ठीक उसी तरह जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने और आम जनता ने कोरोना को रोकने का सार्थक प्रयास किया, जिसके कारण जिले में कोरोना कंट्रोल की स्थिति में देखने को मिला है। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ कहें वो जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि जिले से रोज सैंपल जांच हेतु भेजे जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट भी आ रही है। 51 पेशेंट अभी तक पॉजिटिव आए, उनमें से कई लोग ठीक होकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। इन हालातों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जिला कलेक्टर को अधिकार दिए हैं कि आप अपने जिले की स्थिति को देखकर बाजार जो लगातार बंद चल रहे हैं उन्हें खोलकर लोगों के जीवन को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास करें। इसी क्रम में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय के पश्चात जिले के बाजार क्रमांश रोटेशन में खोलने का आदेश देर रात जारी किया। सिंगोली बाजार दिनांक 8 मई से कभी छूट तो कभी पूरी तरह लॉकडाउन चल रहा था। आज बाजार खुलते ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही के साथ ही किराना और सब्जी वाले दुकानदारों के यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क उपयोग में कमी देखी गई, वहीं सैनिटाइजर का प्रयोग ना के बराबर देखने को मिला। हालांकि आज लंबे समय बाद के बाद छूट का पहला दिन होने से भीड़ कुछ अधिक देखने को मिली, परंतु जैसे जैसे बाजार दैनिक खुलने लगेगा तो भीड़ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। सिंगोली से नवीन जैन के साथ प्रदीप पिछोलिया की रिपोर्ट।